तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँ कि बोया लेके आ चुका अपना एक ब्रांड न्यू इवेंट और इस इवेंट का नाम है वॉच क्लिप्स टू विन 15 मिनट्स। आपको क्लिप देखनी है और 100% चांसेस है आपके इनाम जीतने के। और इनाम में आप भी सोच रहे होंगे जैसे कि आपको मैं बता दूं गाइस, आपको मिलेगी आउटफिट वगैरह, गन्स की स्किन्स, एनिमेशंस और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो अभी जाके क्लिप देखो बोया पे और जीतो इनाम, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हाँ बस बस अब मैं इस एंगल से खींचता हूँ। रुक जा तू जिमी, ये लो पोज मारो आंटी जी, थोड़ा हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाओ आंटी जी बैठो। अरे हम क्या खा रहे हो? अरे मेरे को बैठना आगे, तू रुक जा हरामी बच्चे। आगे आयो टाटा सी यू सून, मूवी देखो स्पाइडरमैन नो वे होम। अंकल चलने के बाद इस गाड़ी को हमने दे दिया था, एक अंकल है हमारे उनका जो खेत वगैरह है तो उनको वहाँ खड़ी करवा दी थी ये गाड़ी और वहीं पे ही खड़ी हुई थी। और ये मेरे को लग रहा है कल बारिश हुई थी और आज ये भगा के लाया पूरी तेज, और देख लो हालात गाड़ी के। अच्छा यहाँ से निकालनी है नीचे? हाँ वो काट देंगे अंकल, कैसी बात कर रहे हो? हंसी तो नहीं ना, देख ले। ओ हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो मैं आपका पैरा जी में आ चुका हूं आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। और जैसे कि आपने गाइस कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगी फाइनली हमने अपनी जो हमारी थार है उसको मॉडिफिकेशन कर लिया, एक नंबर बना दिया है। पर कल आपने देखी थी रात को, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम आपको अच्छी तरह दिखा देंगे। हाँ मेरे ख्याल से वो गंदी जरूर हुई होगी क्योंकि आपको पता हम कौन से रस्तों से आए थे, कीचड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा था, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा थी। और फिलहाल थार मेरे पास नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ क्योंकि फ्रैंकल अंकल ने क्या करा कल। मैं कह रहा था कि मैं जिग्गू को छोड़ दूँ आप घर पर रहो, अंकल जी ने कहा नहीं 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 काम करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और जिग्गू को भी छोड़ दूँ। पता नहीं क्यों उनका ऐसा मन करा, मगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थार उनके पास भी खड़ी रह जाएगी, वैसे कोई दिक्कतों की बात तो है नहीं क्योंकि अभी मैं जस्ट निकल ही रहा हूँ, थार को भी देख लेंगे क्या सीन है क्या नहीं। और आज फाइनली हमारी थार की जब मॉडिफिकेशन के बाद आपको पता ही है बस अब एक चीज रह चुकी है जो कि है उसको ऑफ रोडिंग टेस्ट, वो भी भयंकर वाला, क्योंकि उस वाली ऑफ रोडिंग गाइस हम दोनों ट्रैक पे चलाने वाले हो। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं, हमारी थार कैसी परफॉर्मेंस करेगी वो तो अब आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब छेड़ी छेड़ी कर दो अगर आपने नहीं करा। और हम भी निकलते हैं फ्रैंकल अंकल जी के पास। अरे भूतनी का ये तो होना ही है मेरे साथ, क्या बोलूं रे, भागो भागो आज तो मैं निकल पहन के घूम रहा हूँ क्योंकि ठंड चली गई है भैया जी, पूरे मजे ले रहा हूँ। फ्रैंकल अंकल को मैं फ़ोन कर रहा था कि आ रहा हूँ अंकल जी, उन्होंने फ़ोन तो उठाया नहीं। और हमेशा की तरह हमारी प्यारी स्कॉर्पियो की कलर्स आप देख सकते हो भैया, ये तो ऐसी भद्दी सी हो रही है, इसको धुलवाने का हो चुका है आज दोबारा। मेरे को माता जी ने मेरे को बस मारने वाली थी, भाई साहब तेरी गाड़ी है धो लिया अगर इसे, फिर मैं कहा ठीक है धो दूँगा पर जो भी बताओ ये तो ऐसे में मेरे को अच्छी लगती है, तो चलो धोएंगे इसे, धोएंगे तसल्ली से धोएंगे यार, अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसे धोना अभी क्योंकि चलने तो फिर दो तीन दिन में गंदे हो जाने क्योंकि बारिश बुरी से आपको भी पता आजकल ज़्यादा हो रही है। और फाइनली हमारे गेट भी खुल गया आज, क्या बात है। और सीधा जाएंगे फ्रैंकल अंकल जी के घर पर। और एक और चीज़ है, मैं जिग्गू को काम से भेजा हुआ और वो काम क्या है वो मैं आपको बता दूं। आपको याद हो हमने एक बुलेरो ली थी, हमने एक तो नहीं काफ़ी बुलेरो ली थी जिसमें से हमने सारी बुलेरो रिटर्न कर दिए एक को छोड़ के जिसमें हमने काम करवाया था, और ली क्यों थी रैली के लिए, तो वो बुलेरो भी मुझे देखने की सब सीन सही तो है ना उसका, इसलिए जिग्गू लेके आ रहा है। अब लेट्स सी बुलेरो का क्या हाल है क्या नहीं, क्योंकि जब से वो खड़ी है उसकी मॉडिफिकेशन के बाद, और बुलेरो भी सोच रहे हैं हम अपनी रैली में रखें। अब देखते हैं एक बार बुलेरो के हाल एक बार चेक करेंगे कि रैली में कैसी लगेगी। तो लेट्स गो, पहले फ्रैंकल अंकल जी के घर पर चलते हैं। तो गाइस फ्रैंकल अंकल जी के दूसरे वाला जो रास्ता घर वाला वहाँ पे काम कुम चल रहा था, मेरे को इस वाले से आना रहे भैंस की सच्चा नहरू आराम से। देखो गाइस मैंने गाड़ी कहाँ घुमाई है, क्या ही बोले इन फुद्दू बच्चों को, कोई नहीं वो तो मैं अच्छा ड्राइवर हूँ मुझे आती चलाने। और फ्रैंकल अंकल जैसे होते थे वो तो बबूचक हैं, अब क्या ही बोले। हट जाओ आंटी जी, अरे हट जाओ, अरे हट जाओ यार बेशरम ही हो बिल्कुल। चलो भाई चलो, हाँ ये हुई ना बात, इतने हॉर्न बजा लिए मैं ऐसे हटने का नाम मिल लेते कैसे बबूचक लोग, बिल्कुल फ्रैंकल अंकल जैसे। आओ भैंस की ये पत्थर कहाँ से आ गया, बच गया भाई बच गया, ये पत्थर दिखाई नहीं मुझे एकदम से आ गया गाइस। पर फाइनली हम फ्रैंकल अंकल जी के घर पे तो पहुंच गए दूसरे रास्ते से। ये खड़े, अरे थार तो यहीं खड़ी है। ओ चलो लेट्स गो, थार दिखा दो। अरे भैंस की आँख, कल जब मैंने आपको भी दिखाई थी आपने भी देखोगे यहाँ कीचड़ वगैरह लगे थे और आज ये थार बिल्कुल साफ, अंकल जी ने धोई होगी ये मैं मान नहीं सकता, पर ये थार बिल्कुल चमक रही है गाइस आप देख सकते हो, कुछ तो गड़बड़ है रे मियाँ।
फ्रैंकल अंकल खुद की गाड़ियां तो धोते नहीं है और ये थार धोएंगे? नहीं 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 नहीं, पर चलो छोड़ो, जो भी है धो दी होगी भाई, अच्छे अच्छे बन गए होंगे अब पहले से। पर चलो हम चलते हैं फ्रैंकल अंकल जी के पास। ऊपर के गेट बंद नहीं करता, वो गेट बंद क्यों करता है वो मैं आपको बता दूं, इसके भैंस के ताले में दिक्कत हो चुकी है गाइस, इसलिए बंद ही रखना पड़ता है, ठीक होगा जब ये खुलेगा। और चोप दोबारा से चले गए घूमने के लिए, आएगा बाद में। फ्रैंकलिन अंकल सोए तो है नहीं, फिर भैंस की फोन क्यों उठा रहे, इन कमरों में तो नहीं, अब क्या पता अपने ऑफिस में काम कर रहे होंगे। फ्रैंकलिन अंकल नहीं है भैंस की आँख, ये है कहाँ, ये क्या है, अच्छा कैंडी वगैरह है, पता नहीं है। फ्रैंकलिन अंकल भैंस के यहाँ भी नहीं है गाइस, और टीवी देख लो कितना बड़ा अपने पीछे गोल लगाता है भाई, इस वाले कमरे में तो नहीं है फ्रैंकलिन अंकल। फ्रैंकलिन अंकल खोलो ना, ओ नो यहाँ पे भी नहीं है यार, ये क्या सीन है, ऊपर ही होंगे फिर तो, सुन भी तो नहीं रही है मैं जब से फ्रैंकलिन अंकल चला रहा हूँ। ओहो ओहो ओहो, अरे तेरी भैंस की आँख लग गई, यही होता मजे मजे में निकलता हूँ ना मजे। ओहो क्या बात है, इनके सोफों में भी दिख, एक हाँ ऐसे ऐसे पोज कर, हाँ बहुत सही, हाँ ये आई ना मस्त फोटो, ये क्या चल रहा है गाइस, बहुत सही ऐसे ही। अंकल फोटोग्राफर कब से बन गए, ये देख रहे हो गाइस, अभी रुक जाओ अभी पकड़ेंगे ना पीछे से, बस बस हाँ बस आते ऐसे ही, हाँ बस बस अब मैं इस एंगल से खींचता हूँ। कुछ तो गड़बड़ मुझे लग ही रही थी पहले से, और अब देखते क्या सीन है। फ्रैंकलिन अंकल क्या कर रहे हो, तू कहां से आ गया, क्या करा जा रहा हूँ ये बताओ पहले, मैं बोलता हूँ कि मेरी फोटो फोन से खींच दो, वो तो तुमसे खींची नहीं जाती, और यहाँ कैली आंटी जी का फोटो शूट हो रहा है। अरे अब थोड़ा करना पड़ता है ना, छोटे मोटे काम संभालती है इसलिए। अरे अंकल जी अच्छा ये बात है क्या, तो ये कैली आंटी आपको अगर याद होता है, ये फ्रैंकलिन अंकल जी की पार्टी में भी आई थी, आंटी जी राम राम, किससे फोटो खिंचवा रही है, मैं खींचता हूँ आपकी फोटो, ये गंदा आदमी है, नाक तो है नहीं कुछ। रुक जा तू जिमी, ये लो पोज मारो आंटी जी, थोड़ा हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाओ, अरे उठाओ ना गर्दन नीचे, ये हुई ना परफेक्ट स्टाइल, ये ओके तो अंकल जी साइड में हो जाओ, अभी देख रहा हूँ मैं ऐसी बेहतरीन फोटो खींचूंगा, ये एक फोटो खींच दी गाइस मैंने, ये हुई ना बात, चलो बढ़िया है, बस बस जिमी खींच गई उसकी फोटो, हो गया शूट कंप्लीट। अरे नहीं अभी नहीं हुआ, कभी कैसे हो गया अंकल जी, नया फोटोग्राफर तो अब आया, अब हुई है शूट कंप्लीट। हाँ बस कर गाड़ी, बहुत फोटो खींच ली तूने। अब मेरे को एक चीज बता दो आप, शांति से गाड़ी कैसे धुल रखी है? अब यार गाड़ी देख, इसको पिक करने गया था मैं, फिर वो थोड़ी गंदी सी हो रही थी। अरे अब क्या ही बोले, हमें पिक करने आते जब तो नहीं धुलाते आप। अरे तो तू तू तो खुद ही आ जाता है, इसलिए मैं नहीं आना पड़ता। अरे नहीं कभी तो आते हो। अब जिमी तुझे तो क्या ही अच्छी गाड़ी में बिठा के लाना। अच्छा शाबाश, काम याद है मैं फोन मार रहा हूँ जब से, सुन तो कुछ पता नहीं रात को क्या बोल के गया था मैं। अरे फोन नीचे रखा हुआ चार्जिंग पे। अरे 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 तो फाइनली हमें जाना अंकल जी आज ऑफ रोडिंग के लिए अपनी। हाँ हाँ बिल्कुल चलने वाले जिमी आज। चलो चलो काई आंटी जी बाय, आंटी यही रही है छोड़ना कहीं। अरे हाँ छोड़ना इनको। अरे 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 चलो मैं छोड़ाऊंगा, अब यहाँ पे कपड़े कपड़े चेंज करो अपने, ठीक है? अरे नहीं नहीं साथ में ही चलेंगे, क्यों दिक्कत ले रहा है? अरे ऐसे अंकल जी आप लेट कर देते हो, ठीक है इतना मैं छोड़ के भी आ जाऊंगा। अरे नहीं देखे इधर से निकलेंगे फिर तू मेरे को लेने आएगा, कितना पेट्रोल भी महंगा हो रखा, दिखा था मेरे को डलवाना है आपको डलवाना है। हाँ वो तो मेरा कार्ड लेके जो तू घूम रहा। चलो ठीक है तो निकल रहे गाइस हम, अभी आंटी जी को छोड़ के आ जाते हैं, फ्रैंकलिन अंकल जी को थोड़ा बहुत काम वगैरह संभाल लेती है, जो अंकल जी के बिजनेस वगैरह लिटिल वेट वाले हैं अंकल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आंटी जी आ जाओ, चलो बहुत पोज मार लिए बहुत फोटो हो गई, चलो आ जाओ लेट्स गो। तो गाइस मैं यहाँ पे आ गया तो थोड़े छाए में इतना टाइम लगा था, दोनों में से कोई भी नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, दिमाग की ऐसे ऐसे कर दिए मेरे को। और आंटी जी ने कहा मेरी मूवी की टिकट अपनी सीट वाले आ गए। हाँ अंकल। हाँ चल जी मैं कहाँ चले गया था तू? अच्छा कपड़े तो चेंज करे नहीं, क्या रहे कपड़े चेंज करके आता हूँ मैं। अरे छोड़ मैं सोचा क्या ही चेंज करने, आ जाओ यार चलो चलो चलो, थार में चल रहे हैं, चल चल कोई सी में चल ले। ओ ये तो इनको छोड़ना का है थिएटर में, और उसके बाद हम निकल जाएंगे सीधा, गाड़ी आ गई है ना, ठीक है लेट्स गो। ओ ये ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रास्ते पे कमोड़ आया, आओ आंटी जी बैठो, आंटी जी बैठो, अरे हम क्या कर रहे हो? अरे मेरे को बैठना आगे, तू रुक जा हरामी बच्चे, आगे आगे, अरे यार फिर सीट पीछे करनी पड़ेगी, बावले हो गए होगे अंकल। अरे जिमी मेरे को आगे बैठना, बैठने दे। ठीक है अंकल जैसा आप बोलो, लेट्स गो। अब थिएटर जाना पहले? हाँ आराम से चला ले, अभी मेरे को आदत नहीं है ना, इसके टायर कुछ ज्यादा ही छोड़े हैं।
वो टायर ही लगे हैं। पालतू लगे हैं इसमें वही स्कॉर्पियो से, इसलिए बच की गाड़ी। हाँ और गाइस एक और बात, स्कॉर्पियो से भी काफी मोटे टायर है, वो तो आपको दिख ही रहे होंगे। और इसकी लाइट्स वगैरह हमने बंद करा दी, अंकल की बहुत तेज लाइट है यार इसकी तो यार। वही तो दिखता ही नहीं आगे वाले को तो कुछ। बखला जाता आगे वाला, इससे हमारे चलान कट सकते हैं। पर तुम्हें पता है सरकार तो साड़ी अपनी है अंकल। आराम से निकाल रहा हूँ, भगाने को तो मैं भगा लूँ पर मैं भगा नहीं रहा, सभी बंदा हूँ मैं। इसकी कैसे बंदे अंकल जी, ये देखना बखला गए हैं यहाँ के बंदे। मन तो कर रहा पीटा तू, जैसे आपको पीटा था उस दिन। रुक जा तेरी तो पिटाई होने वाली बहुत जल्दी। मेरे को भी पीटा था ना अपने एक बार, ये लो बदला। रुक जा तू। ये लो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके थिएटर में जहाँ पे हमें कैली आंटी जी को उतारना है। लेट्स गो, हट जा भाई, थार आइए थार। हाँ जी बस यही ना। हाँ यही उतार दे जी। हाँ भाई गाड़ी आई इतनी बढ़िया, ठीक आंटी जी बाय बाय, सी यू टाटा, सी यू सून, मूवी देखो स्पाइडरमैन नो वे होम अंकल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देख लूँ क्या, तू चले जा अकेला। अच्छा जरूर दिखाऊँ मूवी, चैन नहीं है क्या, स्पाइडरमैन ही बना दूँ, यही स्पाइडरमैन बना दूँ आपको। अरे तू चले जाना जी, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे कैसे मूवी देखने दूं आपको, नहीं नहीं नहीं। तो गाइस अभी जिग्गू का फोन आने वाला है, तो सीधा बुलेरो लेके वो आ रहा है। कहाँ पे, कहाँ आ रहा है मैं भी भूल गया गाइस, उसने बोला था अपने घर पे आ रहा था, उसके घर पे ही जाएंगे अब यहाँ से हम सीधा, क्योंकि बुलेरो आती है, मैं आपको बुलेरो देखना चाहता हूँ मैं खुद भी, और फिर देखेंगे रैली में लेके जाने लायक है या नहीं। अंकल जी बंदे खुद की शर्म होती है क्या, हो गया जी जब पीछे बैठने को बोलो जब पीछे नहीं बैठे, जब वहीं बैठ के जाके क्या चाहते हो, जिंदगी प्यारी दी है क्या आपको। अब आराम, अब आपकी किस लिए, ये किसके लिए छोड़िए आंटी, आप आओगे क्या, तेरे लिए छोड़ी जी। यार अंकल तो फाइनली गाइस वो कह रहा बुलेरो लेके मैं 2-3 मिनट में बस पहुंच रहा हूं, इतने में तू भी निकल ले वहां से, क्योंकि मेरे को भी यहां से निकलने में टाइम तो लगेगा ही। तो सही है बुलेरो देखेंगे अंकल जी, हमने मॉडिफिकेशन तो करवाई रखी है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखते किस कंडीशन में है, क्या सीन है, कंडीशन तो वैसे सही थी ना, हमें जब भी मॉडिफिकेशन करवाई थी उस गाड़ी की, क्योंकि हमें देख नहीं थी कि रैली में ले जाए या नहीं ले जाए, और अब एक बार दोबारा देख लेंगे क्योंकि रैली काफ़ी ज़्यादा करीब आ रही है, और हमें और भी चीज़ें अपनी रैली के लिए इकट्ठी करनी है, तो बस तैयार रहो आने वाला धमाका। तो लेट्स गो अंकल जी, वैसे एक फ़ायदा तो हो गया, और वो फ़ायदा ये हुआ है आपने कार धो दी, तो हम ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाएंगे और देखेंगे उस इलाके में कितनी गंदी होगी कितनी नहीं, ये देखते हैं वो तो। और एक बार शीशा थोड़ा सा गंदा हो गया, जिस साइड में बैठा उस साइड को एक बार साफ कर देना, और हम पहुंच चुके गाइस जिग्गू के पास। ओ जिग्गू अतरी है इसके अंकल, जिग्गू की लाइट तोड़ दी भाई तूने, जिग्गू की लाइट तो वो एनडीपीएल वालों को फोन करके करवा लेगा ठीक। लेट्स गो, पहुंच गए गाइस हम, ये देखना अंकल जी कौन सा भूत सवार करवा दिया आपने इस पे, जेब में बिच मारता है किसके लिए जोर रही है। अरे अरे रे अंकल ये क्या कर रहा है, गाड़ी देखो अब, गाड़ी तो पता नहीं क्या एक बना रही कि इसमें सुअर सी सीन ये था गाइस, ये काफी दिनों से आपको बताऊं बुलेरो जब से मॉडिफिकेशन हुई उसके बाद ये चली नहीं है, चलने के बाद इस गाड़ी को हमने दे दिया था, एक अंकल है हमारे उनका जो खेत वगैरह है तो उनको वहाँ खड़ी करवा दी थी ये गाड़ी, और वहीं पे ही खड़ी हुई थी, और ये मेरे को लग रहा है कल बारिश हुई थी, और आज ये भगा के लाया पूरी तेज, और देख लो हालात गाड़ी के, जब भी पूरी गंदी होगी जी, मैं तो पूरी गंदी कर रखी है, और इन्हें भैंस की आंख, चल नीचे उतर भूतनी के, गाड़ी का नाश मार रखा इन्हें, एक्सरसाइज कर दे, देख ना अंकल मान लेना लड़का कहते हैं एक्सरसाइज चल रही है। तो गाइस ये कुछ गाड़ी है अंकल के, काम करवाना पड़ेगा, पहले इसे वॉश करवानी पड़ेगी, फिर ही पता चलेगा कि हम इसे ले जा पाएंगे या नहीं। देख ले जिमी, और देरी स्कॉर्पियो भी तो करवानी थी, स्कॉर्पियो बाद में करवा लेंगे, वो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रैली के लिए गाड़ी इकट्ठी करनी है, स्कॉर्पियो रैली में है, ये वाली चेक करते हैं, इसको धुलवा के लेके आते हैं, आप चलाओ गाड़ी ठीक है, ठीक ठीक, और फिर देखते हैं गाइस की क्या करना है क्या नहीं, अपनी एक बार ये गाड़ी थोड़ी सी साइड में लगा दूं, क्योंकि यहाँ पे बदमाश लोग घूमते हैं, ये बस आओ अंकल तो जल्दी जल्दी चलाओ बुलेरो और हम निकलते हैं गाइस सीधा कार वॉश के लिए। तो गाइस अंकल जी गाड़ी चला रहे हैं, अंकल चल रहे हैं बस जी, अरे रे रे हाल देखो अंकल, बड़ी गंदी हो रही जी, ये तो कुछ ज्यादा ही गंदी है गाइस, ये देखना ये निकाली अंकल जी ने, चलने में तो कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, उस दिन जब मैंने भी चलाई थी से, हाँ हाँ दिक्कत तो कोई नहीं जी, पीछे वाइपर भी चालू मार दिया इसने, देखना किससे का हाल, अरे हट जा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेट्स गो, और अके फाइट में बिपट बोले, सॉरी सॉरी दीदी, लेट्स गो निकल गए
अरे अरे अंकल जी किचन कितना है? अरे 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 रे जिमी क्या कैसे चलाते हैं के लोग? पता नहीं अंकल जी कैसे बेबुजक लोग हैं, और आप भी जब दिख रहा उसे टर्न लेना वही घुसा रहे हो गाड़ी, कैसे हो यार आप? अरे तो उसे देखना चाहिए था ना पीछे से गाड़ी आ रही है। इतने पतले से गली में कौन भगाता है, ओवरटेक कौन करता अंकल, क्या कर रहे हो? अरे मैं तो यूं चाल लगी भाई जिम्मी, तो यूं ही चाल लगी, नुकसान हो जाएगा तो यूं ही भर देना फिर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं वैसे। अरे नहीं नहीं अभी पैसा कम है वैसे, फिर बस चलो फिर जल्दी जल्दी तो लेट्स गो सीधा कार वॉशिंग पे मिलते हैं गाइस आपसे, एंटी के पास का ले लो, क्यों डराने का ज्यादा शौक है लोगों को। अरे यूं थोड़ी मजकीडिंग तो कर लूं मैं गाड़ी से। अरे अंकल ये किडिंग वाली गाड़ी नहीं है ये, देखो कहां ले जा रहे हो? क्या आंटी, आंटी पुलिस बुला लेगी अंकल जी, ठीक है रुक जाओ। देखो स्टंट करने में मानोगे नहीं तो लेट्स गो भाई, भागो मैं अंकल जी से कार छीन लूंगा, नहीं तो लेट्स गो। अंकल जी ऐसी वाली दुकान में ले जाना जहाँ पे बिल्कुल टिप टॉप हो जाए गाड़ी हमारी। बिल्कुल जी, मैं एक पैसा भी कम लेगा और जानकार भी ये वाला। अच्छा वहीं पे क्या जहाँ पे स्कॉर्पियो लेके गए थे हम? हाँ हाँ वो वही, ये कट भी लेने नहीं आता, कट भी लेने नहीं आता अंकल को तो। अरे बस ये थोड़ी हैंडलिंग से पता नहीं कैसी हो गई जी इसकी। अरे यार कुछ नहीं हुआ इसका तो, ठीक है आपको चलाने नहीं आ रही वो बात अलग है। तो गाइस कार वॉशिंग पे हमने गाड़ी लगा दी, और गाड़ी के हालात हमने पहले देख ही लिए कि क्या है क्या नहीं, और ये पानी गया हमारी गाड़ी पे, ओ ये क्योंकि गाड़ी को देखना भी तो साफ होने के बाद भी कितना होना चाहिए कितना नहीं, ये होगी जी कदे क्लीन। और अभी एक बार बाहर भी देख लेते हैं, बाहर निकल जाए। ये ले जी, लेट्स गो गाइस, निकल गई है हमारी गाड़ी। ओह मैं मस्त चौधरी की तरह बैठा हूँ अंकल। रुक जा तो चौधरी, पहले देख ले गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से धोई है। हाँ मेरे को तो सही लग रही है, ये देख लो गाइस इस साइड से भी सही हो चुकी है गाड़ी, और ये है अब हमारी कार। ओके हम इसे चला सकते हैं अंकल है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका टायर में हमने रोकड़ा खर्च करा है, लाइट भी सही है, और इसके काले शीशे करवा दे तो काले सीटें तो करवाने पड़ेंगे जिमी। ये चलो ठीक है गाइस, तो बाकी आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि हमें बुलेरो रैली में रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब हमें रखनी चाहिए जिस हिसाब से हमने धुलाई है, साफ भी दिख रही है, तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुलेरो होगी, स्कॉर्पियो होगी, थार होगी, और जो चीजें मैंने सोची है ना अंकल जी वो थोड़ी अलग सी है थोड़ी। अच्छा अच्छा क्या सोचा वैसे तू? वो तो अंकल जी सरप्राइज है। सरप्राइज ये कार लेके जा रहे हो? ये देखो क्या अंकल, ज्यादा ना सस्टेंट मैन मत बनो ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूँ ये गाड़ी के पैसे आपको भरने पड़ जाएंगे, सीधी बात है अंकल जी। इस टाइम में कॉमेडी नहीं कर रहा अंकल, कुछ नहीं होगा जी, मैं चल रही है ना बढ़िया, देख 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 ये देख ये देख क्या देखो बच गया, अभी 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 देख लेता मैं क्या हो रहा था। ये देख जिमी ये, अरे काले आए अंकल, काले आए, काले आए अंकल, अरे देख गिर गई तो अंकल। यार तुम्हें नहीं आती चलाने, यार रहने दो, तुम्हें गाड़ी नहीं दे रही है। कुछ नहीं माजी में आर्मर तगड़ा है, मैंने करवाया ठीक है, यही धोल देता जी भी, $15 तूने वहां दिए देखियो, नहीं नाले का पानी है कहां घुसा रहे हो यार, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है बंदे को, चलने देना जी भी सब चलता है, अभी अभी थोड़ी ना रैली तो अभी थोड़े दिन बाद है, ये देखो जगह है नहीं कुछ, क्या अंकल दिमाग छोटा आपका, रुक जा तू, ढीले आदमी हो आप छोटे दिमाग वाले, क्या यार चला के देख रहा हूं गाड़ी की इंजन इंजन जाम हो गए इसलिए, ये क्या कर रहा है ये अंकल, क्यों आपका मामा का लड़का है क्या ये ठोक रहे हो यार, तो लेट्स गो गाइस अंकल जी तो यही कॉमेडी करते रहेंगे, हमें पहले अपनी थार उठानी है और थार उठा के सीधा ऑफरोडिंग ट्रैक पे जाना है, और क्योंकि मैंने आपको कहा था इसकी ऑफरोडिंग कुछ तगड़ी होने वाली है, तो बस रेडी रहो अंकल जी, पहला बोली दानी फिर पीछे हट्टी दानी, जदों पंगा पै जावे ओ देख रहे हो, कुछ खिला रहे पिला रहे हो तो बताओ, कुछ नहीं खिला रहा ठीक है, पैसा बहुत कम बचा मेरे कार्ड में। तो गाइस अभी अभी लिटिल बिट तेल डलवाया मैंने, क्योंकि थार में तो हमने देखा नहीं था अंकल जी तेल नहीं है, वही तेल बहुत कम रह गया था, ये और अब तो आधी टंकी से थोड़ा सा कम है, क्योंकि अंकल जी ने कहा नहीं इतना ही नहीं डलवाना अंकल जी, के तो फिल्टर फट गए, रुक जा तो मेरे बहुत खर्चे कर रहा आजकल अंकल जी, अब क्या हो गया मेरा आएगा मैं दे दूंगा तो ना, क्यों दिक्कत ले रहे हो, तेरा कब आएगा प्रेसिडेंट का, रुक जाओ ये अंकल जी, अब देखो अगला मैं जीत जाऊंगा तो आ जाएगा मेरा, देखते हैं जी फिर, मैं तो पूरा पैसा ले लूंगा अपने कार्ड, क्योंकि मेरा पुराना वाला हिसाब थोड़ा सा डिले चल रहा है। अच्छा अच्छा दूंगा पैसे तुम्हें तुम्हारे कार्ड के, है चैन थोड़ी है। तो ये देख लो गाइस हमारी थार फाइनली आ चुकी है ऑफ रोडिंग ट्रैक पे, पहले हम इस वाले ट्रैक पे कर रहे हैं,
अंकल जी देख रहे हो और शुक्र करो गाइस हमने इसकी। अरे अंकल जी आर या पार क्या लगता है? मैं नहीं सोचता कर देगी यार, कर देगी, ऐसे फुड्डू गाड़ी थोड़ी है यार ये ले निकल गए यहाँ से तो इजीली। ये देखो ना, ये देखो टिचिक 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 यही से चढ़ा दो। नहीं लगता जी मैं कहीं अटकेगी, 4x4 है वैसे ही। 4x4 तो है अंकल जी पर फिर भी ऐसे लग के आ जाते ना थोड़े बहुत। चल देखते हैं बाकी तो। ये देख लो गाइस हमारी गाड़ी, ब्यूटीफुल गाड़ी। ये अंकल सो इजी पीजी पूरे कुछ नहीं ले अंकल, सब ओके है। रुक जा तो वो देखी मैंने कैसे डगमगा गई थी अभी। डगमगा वो बताऊं क्यों गई है? हां ये जो छोटे छोटे घुसा दिए ना स्टॉक की जगह ऐसे इसने काटा, इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा बहुत। अच्छा पर इतना नहीं है जितना मैंने सोचा था, मेरे को तो लगा था कुछ ज्यादा ही हो जाएगा पर सही है। इतना कुछ मुझे तो नहीं लगा अंकल जी जिस हिसाब से मैं चला रहा था वो भी है। ओ ये थार तो साड़ी अपनी है मैडम जी, कितने देख रहे हो तुसी अंकल जी? देख रहे हो हमारी गाड़ी को कर जा रही है जी, मैं तो कति इजी तरीके से जा रही है भाई। ये देख रहे हो ये अरे आज ये कहाँ फंसे पड़े हैं, इनका तो रोज का हो गया अंकल, रोज ही ऑफरोडिंग करने आ जाते हैं तो वही तो इनका तो ऑफरोडिंग ही खत्म नहीं होती। ओ ये और ये गाड़ी नहीं हटाते, आज इसका काम कर ही दूंगा मैं। ले चल जी मैं आज इसे ले ही चल। हाँ देखो गाइस थार की पावर देखो आप अगर दिख गई तो। अरे पीछे वाली गाड़ी आ रही है क्या देख लियो? अरे आएगी तो उसका फुफा भी आएगा अंकल। अरे पलट गई पीछे गाड़ी। अरे अंकल जी क्या बोलूं मैं अब, आ जा भाई देख रहे पावर कितनी है, पानी में भी यूं निकली ये। ओ महिंद्रा की गाड़ी है, महिंद्रा गाड़ी फुद्दू थोड़ी ना आती है। और क्या सही में बिल्कुल बढ़िया आवाज बोली गाइस अंकल जी, बस यही छोड़ दूं? छोड़ दे और क्या, अब क्या करना, गेट में टूट गई जी मैं उसके। अब मेरे को पता दोबारा खड़ी कर देंगे वो, जानबूझ के रखते हैं वो। अच्छा तो गाइस देखो गिरा मत दियो चाचा चौधरी। ये देखो यूं जाती है यूं, यूं पीछे, ये ऊपर चढ़ गई और ये यूं निकल गई। ये लो मजा आ गया जी, मैं इधर की साइड तो इसे चलाने में फाइटर हो गए मैं तो बोले चार नहीं बिल्कुल अंकल जी कहते डिक्चिक डिक्चिक हो रही है, मजा आ रहा है मेरे को बिल्कुल। ओ ओ बुमलिया आ बुमलिया, ये देख रहे हो ये होती है थार अंकल। ये तो कौन सी थार कर लिया जी मैं इसने तो, महिंद्रा थार है यो अंकल, इजी करेगी इजी पीजी काम है बस काटी का। बिल्कुल बिल्कुल भूमनिया, अब किसी और को भी लेके चलूंगे साथ में बता दो। ना ना मैं अब किसको लेके चलूंगा, ताकत बहुत है मेरी थार में। तो गाइस देखो यहाँ से भी इजी पीजी, छो इजी पीजी निकल गई है गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रही कहीं पे भी। फिर क्या देख रहे हो भाई, थार है थार है क्या थार है, तो गाड़ी को स्क्रैच तक भी नहीं आया मेरे ख्याल से इनका। स्क्रैच जरा अभी तो निकल के देखेगा जब पता चलेगी जी। हाँ जब पता चल जाएगा कोई नहीं, वाला स्प्रे है वो स्प्रे मारती दोबारा वैसा हो जाएगा, हमारे अंकल जी ने बोला है वो, देखते हैं वो तो। अरे रे रे झाड़ियों में घुस गई देख रहे हो गाइस गाड़ी। आ बुमनिया अंकल क्या कर रहा बाबू, चक नीचे गिरा दी पर बच गई, देखो पलटी नहीं सेट कर दी मैंने वो सेट कर दी। अरे हट जा हिरन भाई साहब। ओ हिरन को रुक जा उठने दे उठने दे रहा मैं वेट कर रहा हूं भैंस की नाटक देख लो इनके सो रखे हैं उठेगा थोड़ी सो रखा अंकल वो। ये देखो गाइस ये देखो रिवर्स में भी ताकत कितनी अंकल जी के, वही देख रहा हूं जी मैंने कह दिया गाइस सीन देखो नीचे देख लो नीचे सो रखा वो अंकल, आंखें खुली नहीं दिख रही उसकी, आंखें खुली कर दिया भाई जी मैंने, काम कर दिया जी मित्र ऊपर केस अब। अरे हमारे ऊपर केस चलने लग गए तो फिर तो हो गया काम अंकल। रुक जा तू मैं ही बनाता हूँ अभी वीडियो बना ली मैंने। तो ये तो गाइस देखो हम यहाँ से भी निकल गए और गाड़ी थोड़ी थोड़ी गंदी होने लग गई है, अभी पानी से निकली है मिट्टी पकड़ेगी पूरी गंदी की, जितनी होगी वो तो अब हमें एंड में ही दिखेगी क्योंकि गाड़ी थोड़ी देर खड़ी रहेंगे ना उसके बाद ही धूप में चमकेगी है अंकल। बिल्कुल जी गंदी तो होगी शीशे पे देख कैसे मिट्टी मिट्टी होगी। हाँ वो तो है गाइस, और अभी और मिट्टी इसमें चिपकी इतना भी मैं कह सकता हूँ क्योंकि इस इलाके से हमने ऐसी निकाली है, और अभी तो दूसरा ट्रैक भी बाकी है, अब इस ट्रैक में इतना टाइम ही लगा इसमें तो, नहीं तो हमें कितने कितने टाइम लग जाते अंकल। वही तो फंसी नहीं गाड़ी कहीं, गाड़ी कहीं फंसने का नाम ही नहीं, गाड़ी क्या मैं यहाँ से भी निकल लूंगी वहाँ से भी निकल लूंगी। आ बुमनिया ये देख लो गाइस ये है इतनी गंदगी बस।
ये गंदगी गाड़ी में, और हुआ कुछ भी नहीं है गाड़ी को अंकल, नंबर प्लेट में हुआ है, वो तो मैं मार दूंगा बस। ये होती है अंकल जी कौन सी गाड़ी? हाँ तो गाइस अभी से लेके जाएंगे हम सीधा दूसरे ट्रैक पे, क्योंकि इस ट्रैक तो एक छोटू मोटू सा ट्रैक लगा मुझे अंकल, ये देखो कहाँ चढ़ रही है गाड़ी हमारी। ओ भाई साहब ये तो मेन ट्रैक था वैसे ही। बच गए गाइस बच गए, तो लेट्स गो अगले ट्रैक पे चलते हैं। तो गाइस फ्रैंकल अंकल जी ने बताया कि एक नया ट्रैक खुला है, तो क्यों ना हम गाड़ी वहाँ लेके जाए। और यहाँ के देखा भाई बहुत भीड़ है, वो तो जुगाड़ लगा के हमारा नंबर लग गया है अंकल चाचा चौधरी, और वह गाड़ी हमारी वहाँ से निकाली थी, हमें यहाँ आराम से निकल जाएगी, देखो एक ही मिनट में निकल गई है। और अब चलते हैं आगे जहाँ हमें जाना है। अंकल जी कैसा ट्रैक है ये? भी नया ट्रैक है, आराम से लियो धीरे धीरे। अरे हम डरते हैं क्या? पत्थरों को साइडों से ही लेनी थी ऊपर चढ़ाना था। कोई नहीं अब ले ली तो निकाल ले तू। अरे बता दिया करो मुझे, मेरे को नहीं पता उतना ट्रैकों के बारे में, मेरे को दो ही ट्रैक पता अपने बस। कोई नहीं नया ट्रैक बनाया भी इसलिए ले आया मैं तेरे को इधर। तो भाई ये नया ट्रैक वहाँ आप देख लो। अरे अंकल जैसी पहाड़ों में तो मेरी गाड़ी हो जाती है यूं। अब जिमी इधर से निकाल आराम से। ए आराम से निकालने वाली चीज है ये थार है अंकल। देख रहा जिमी? ये देख रहे हो थार तो अपनी थार अंकल। बस कर दी पार हमने ये। अरे अभी कहाँ कर दी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो भाई अभी पार्टी चालू हुई है ठीक है, अभी खत्म नहीं करी हमने। यहाँ पता चल रहा ना जी मैं पूरा। ये देख लो भाई गाड़ी हमने निकाल दी अंकल जी, तो हमने फुद मान रहे थे निकल गई पर चिपी है तो आगे चल अभी अभी तो वाटर टेस्ट यहाँ पे हार्ड वाला करवाऊंगा मैं इसका। अब क्या करना है इधर? अब इस पानी में से निकालनी और देख ले गाड़ी लगनी नीचे, वहाँ देख कहाँ नीचे पत्थर भी है आगे सामने देख पहाड़ के उधर से मोड़नी है तुझे स्पीड। यहाँ से लेके जाऊँ मतलब? यहाँ से लेके जानी है और देख वहाँ घुमानी है ऊपर की साइड देख राइट में। पानी तो नहीं गहरा है का? पानी गहरा है और पत्थर भी है पानी में ये। अरे अंकल जी बताते तो नहीं, इस साइड भी वो लगा रखे नीचे बैरिकेड से। तो कह ही तो रहा हूँ जी भी। उतर क्यों गए बैठो? अरे थोड़े पानी सा भर गया अंदर आके देख। अरे कोई नहीं अभी करते हैं गाइस हम। भाई फ्रैंक अंकल जी को तो फट गई है मेरी गाड़ी, देखो मैं आराम से निकाल लूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, मेरे को ये बताया नहीं है सामने येलो येलो भी है, देखो आराम से निकल गई मेरी गाड़ी, ये देख रहे हो। अरे एक ही बारी में निकाल देता हूँ गाड़ी तो। और बाकी ना एक बात बताओ, इस ट्रैक में ये चीज तो है भी नहीं, ये है रास्ता, अंकल जी भी खुद काम करवाते हैं मेरे से। ये ओ नो, ये देखो टायर एक ऊपर की साइड है पूरा और इधर से ये हिल गया, इसको सेट करवाना पड़ेगा ना। अब क्यों आ रहे हो, भाग लो ना, भाग जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं मैं देख रहा था जी मैं तो सही से निकाल पाएगा नहीं, सही से निकाल पाएगा नहीं। तो गाइस गाड़ी के हालात देख लो, अभी गाड़ी मैंने थोड़ी सी साफ करी क्योंकि ये क्या कर दिया तूने, कह रहा था मैं आराम से निकालियो कीचड़ में। कीचड़ मैंने बताई थी अंकल जी इतनी होनी की है, इसलिए मैं अभी सोच नहीं रहा था कल धुलवाऊंगा, आपने सुबह धो दी खुद, मेरी गलती थोड़ी है, पूरी मेरी पूरी मेहनत बेकार गई। ये क्या है? इधर रास्ते बंद है पीछे से ला। अरे हम तो अपने अपने रास्ते ढूंढ लेंगे अंकल जी, दुखी दुखी हो रहे हो। रुक जा तू, पता ना कौन सी गाड़ी लेके घूम रहे हम थार। ओ गई होती अभी, क्या हो गया देख रहे हो? अरे एक बारी में निकाला अंकल जी, कैसे छोटा आदमी समझ रहे हो आप हमें, हट जा भाई बाबू मोसाई। ओए आराम से चला ले। अरे स्टाइल है मेरा, ऑफरोडिंग चेक कर रहा हूं मैं। होगी बस ऑफरोडिंग बहुत चेक, चल इधर करते हैं पानी की साइड। टिची टिची ओ बुमनिया, ओ बुमनिया। अंकल जी टायर देख रहे हो, दूसरी गाड़ी होती रुक जाती है वही, क्योंकि आधे टायर तो अंदर ही घुस रहे हैं वही तो। और गाड़ी के हालात भी आपने देख लिए गाइस कि क्या हो रखे हैं। ओ नो अंकल जी,
ये तो आराम आराम से चला ले से। ये लो ये अंकल जी थार तो अलाइनमेंट हिल गए इसके, देख अंदर चले गए टायर। अरे अंकल जी कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो सेट होएंगे ही होएंगे, इतना गंदे काम करवाओ गाड़ी के साथ तो। वही इतना कोई नहीं बोलता, बेशक 4x4 है कि भाई मास्टर के घर ही ले जाओ गाड़ी को साके। ये देखना पारे रे अंकल जी, देखना यार रास्ते देख लो कैसे हो रखे हैं, रेत में घुस रहे आधे टायर तो, आधे से ज्यादा टायर अंदर ही घुस रहे हैं। ये देख लो, पर फिर भी मैं नहीं मानूंगा। पानी का भी रुक जा, गाड़ी के इंजन में पानी जाएगा फिर। अरे कुछ नहीं होता अंकल जी। ये वाह देख रहे हो, दिस थिंग इज स्टाइलिश, आगे का डिजाइन बन गई। डिजाइन बन गए देख ले तेरे लिए। अरे रे 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 भैंस की पानी में लेके जाता हूं गाइस मैं दोबारा गाड़ी। ओ नो अंकल जी, थोड़ी सी पानी के अंदर देखो ऐसे ऐसे घुसाते हैं गाड़ी। बस कर अभी से, आप तो ठीक है अंकल। अभी तो जिमी तो टायर फाड़ देता अभी। अरे मैंने भी नोटिस नहीं करा, मसले को लग तो रहा था थोड़ा टायरों में कुछ तो है गाइस। अभी आप टायर देख रहे होंगे कि अब आपको थोड़े लग रहे होंगे बड़े बड़े से और थोड़े, हाँ भाई बाहर की साइड क्योंकि सी नहीं हुआ था गाड़ी में अभी, इसके चारों टायर में अंकल एकदम से कैसे हो सकता है ये पता नहीं जिमी, ये तो तू उसी से पूछे जिसे करवाए। ये देख रहे हो आधी गाड़ी का पानी के अंदर। ओ अब थोड़ा लुक भी आया अंकल देखना। बिल्कुल ये तो पहले अंकल आराम से चला ले अंकल वाड़ी। तो गाइस गाड़ी के टायरों की वजह से भी गाड़ी बैलेंस नहीं हो पा रही थी ढंग से, और अब ठीक ठाक लग रही है अंकल जी मुझे। तब तो ठीक है आज भी पहले से तो। हाय रब्बा मार सूटिया पापड़ वाले नु, ये क्या हो रखा है अंकल ऊपर? ऊपर देख रही हूं यूएफओ गिरा हुआ है, कल ही गिरा है। अरे अंकल जी मजाक मत करो, ट्रैक के लिए भी छा रखी है ना। नहीं नहीं ये यूएफओ गिरा, न्यूज नहीं देखी क्या तूने? मैंने नहीं देखी, देख ले मैं तो छोटा भीम देख रहा था ना जब, पर डोरीमोन डोरीमोन नोडी वगैरह देख रहा था अंकल जी मैं। वही तो ये देख लोग भी आए हुए इसे देखने। हां नकली लगवा रखा है। नकली कहां यार जी, भी देखना धुआं भी निकल रही है। रहने दो भाई पीछे ले लो अंकल जी का कुछ नहीं पता गाइस, पर मैं अभी आपको गाड़ी दिखाना चाहता हूं कि हमारी गाड़ी की लुक क्या है फिलहाल इतना ऑफरोडिंग करने के बाद। ओ गुमनिया आ जाओ अंकल जी, चलो चल दिखा। तो ये है हमारी गाड़ी इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग होने के बाद। हाँ बेहाल कुछ ज्यादा ही हो गए अंकल जी, इसके हाल है धुलवानी पड़ेगी जी मैं ये धुलवानी पड़ेगी और ऑप्शन और कोई भी नहीं है। तो ठीक है गाइस फाइनली आपने देख लिया कि हमारी थार वो काफी बढ़िया ऑफ रोडिंग कर दी, वो टायरों में बीच में लोचा हो गया वो मैं एक बार बता दूँ, ऐसे ये सीन हुआ है। तो होप करते आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा, मजा तो चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ साथ कमेंट करके बता देना कि आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो चंगा फिर अंकल जी, चंगा चंगा अगली वीडियो।